तो दोस्तों काउंसलिंग की डेट भी जारी हो चुकी है, तो आइए देखते हैं कि डेट में कब डेट दिखाया जा रहा है। तो यदि काउंसलिंग की डेट की बात करें तो इसमें दिखाया जा रहा है कि जो नगर निकाय के लिए काउंसलिंग होगी उसकी तिथि दिखाई गई है, आप देखें ध्यान से, तो 5/7/2021 यानी कि अगले महीने में 5 तारीख से लगभग अब हर एक चीज़ तय हो चुका है कि काउंसलिंग होगी। और देखिए आज ही का यह है 23/6/2021 का ही यह न्यूज़ है, यानी कि जो रंजीत सर ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पे डाला है यूथ ऑफ बिहार पे, तो इसे ये समझ में आ रहा है कि अब हम लोगों की काउंसलिंग संभवतः अब 5/7/2021 से शुरू हो जाए। हालांकि अभी 12 दिन है और 12 दिन में तो कई प्रकार के न्यूज़ भी निकलेंगे, लेकिन यदि हम लेटर की देखें तो लेटर में स्पष्ट लिखा है कि संचिका संख्या 7/25/2019 विभागीय अधिसूचना संख्या 557 दिनांक 4/6/2021 द्वारा CWJC नंबर 4975/2020 नेशनल फेडरेशन ऑफ बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य संलग्न वाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 3/6/2021 को पारित आदेश के आलोक में दिव्यांगजनों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि 25/6/2020 निर्धारित की गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं उस नियोजन इकाई में पूर्व से तैयार मेधा सूची का अनुमोदन बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 यथा संशोधित बिहार पंचायत राज अध्यादेश 2021 के अधिनियम की धारा 66 की नई उपधारा यानी कि 5 के अंतर्गत गठित परामर्श समिति द्वारा किया जाएगा। यानी कि अब लगभग कन्फर्म हो चुका है कि अब जो नीचे नियोजन इकाई दिया गया, जैसे नगर निकाय के लिए काउंसलिंग तिथि क्या है 5/7/2021 से जिला मुख्यालय पे, ठीक, और प्रखंड नियोजन इकाई के लिए 7/7/2021 कहाँ पे, जिला मुख्यालय पे, और पंचायत नियोजन के लिए 12/7/2021 कहाँ पे, प्रखंड मुख्यालय पे। यानी कि यह जो काउंसलिंग की डेट दी गई है इसी के अनुसार काउंसलिंग कराने की प्रक्रिया होगी। चलिए देखते हैं आगे न्यूज़ क्या निकलता है, उस प्रकार आपको सूचित किया जाएगा। तब तक बने रहिए अपने योर दीक्षा एजुकेशन के साथ। और बड़ी खुशी की बात है कि संभवतः हम लोग के लिए ये न्यूज़ आया तो कम से कम। चलिए अपने कमेंट सेक्शन में अपने अपने प्रतिक्रिया दीजिए, आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। सो धन्यवाद दोस्तों।